वेलकम टू जीके भाई। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ इन्वायरमेंट स्टडी, ये हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जी हाँ, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएं, पर्यावरण स्टडी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैंने इसमें कुल 100 ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे ही गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी बहुत है। तो आप इन 100 क्वेश्चंस को क्लियर कर लें, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है, ये पीएच मान जो होता है मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू कंपोजिट की कुल से संबंधित है। विषाणु की खोज किसने की? जी हाँ, विषाणुओं की खोज किसने की? तो इवानोवस्की ने की। हाइड्रोफोबिया का रोग क्या है? जी, हाइड्रोफोबिया रोग का कारण है तो ये विषाणु। देखिए, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि जो रोगी होता है उसे जल से यानी पानी से डर लगने लगता है। ये रोग मोस्टली कुत्तों के काटने से फैलता है। तो इसमें जो इंसान का शरीर, जी हाँ, जो जिसमें सबसे ज़्यादा हानि पहुँचती है तो वो है तंत्रिकाएँ तंत्र। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो ए बी समूह जो होता है वो सर्वग्राही होता है और ओ जो होता है वो रक्तदाता होता है। कलर ब्लाइंडनेस किस गुणसूत्र के कारण होती है? तो एक्स गुणसूत्र के कारण, जिसे वर्धनता भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, जो रोगी हरे और लाल कलर का डिफरेंट नहीं कर पाता। रक्त के लाल रंग का कारण है तो हीमोग्लोबिन रंजक। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। मानव का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, जी हाँ, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। एक समान पुरुष एवं स्त्री में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46। जी हाँ, एक कॉमन मेल या फीमेल में जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो 46 ही होते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सर्वाधिक होती है। जी, अगर वाष्पोत्सर्जन आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन वो है जो पौधों से जल बाहर निकलता है। यहाँ पौधों से होने वाली जल हानि को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, तो ये सर्वाधिक पत्तियों में से उनमें होता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है, जी हाँ, ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। गन्ना उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व जो है वो है कार्बन। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? जी हाँ, जब बीज अंकुरित हो रहे होते हैं तो उनके लिए जो तत्व आवश्यक नहीं होता वो है सूर्य का प्रकाश। अंगूर में अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। किसी तालाब में उत्पादक होते हैं? किसी तालाब में उत्पादक होते हैं शैवाल व जलीय पादप। ओजोन परत रक्षा करती है? ओजोन परत रक्षा करती है परावैगनी किरणों से। मृदा अपरदन क्या है? जी हाँ, मृदा अपरदन क्या है? तो भूमि की परत का बह जाना, जो भूमि की ऊपरी परत होती है वो अगर बह जाती है पानी से या हवा से, जिस तरह से भी, तो इसे हम कहते हैं मृदा का अपरदन। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है? जी हाँ, कौन सा राज्य ऐसा है जो जहाँ पर केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। किस कुल के पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरणी जीवाणु पाए जाते हैं? जी हाँ, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो नाइट्रोजन होती है वो पेड़ डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो ये मोस्टली दलहली पौधे जो होते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाई जाती है। प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है? तो प्रोटीन सर्वाधिक सोयाबीन में पाई जाती है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नल और कूप। रुधिर का थक्का न जमने का प्रमुख कारण है? रुधिर का थक्का न जमने का प्रमुख कारण हेपेरिन तत्व की अधिकता। जी, एक तत्व होता है ब्लड में हेपेरिन, उसकी अगर अधिकता हो जाती है तो ब्लड में थक्का नहीं जमता। मानव रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? जी हाँ, मानव रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। ये मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए अपनाई जाती है। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है? मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कुल 8 होती है। भारत का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। एड्स नामक बीमारी की सर्वप्रथम खोज हुई थी? जी हाँ, एड्स का जो एड्स बीमारी है उसकी सर्वप्रथम खोज अमेरिका में हुई। इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है? जी हाँ, इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है अग्नाशय में। भविष्य के लिए विटामिन ए संरक्षित रहता है? भविष्य के लिए विटामिन ए संरक्षित रहता है यकृत में। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो रबर उत्पादक होता है वो केरल में होता है। वनस्पति जगत में सबसे बड़े बीजांड होते हैं? जी हाँ, जो बीजों का आकार होता है सबसे बड़ा होता है वो साइकस के पौधे में होता है।
पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो टेस्ले ने दी। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक प्रदूषक है? जी हाँ, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक प्रदूषक है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का। बर्फ एक प्रकार का शुष्क कार्बन है? जी हाँ, बर्फ एक प्रकार का शुष्क कार्बन है। ताजमहल के पीला पड़ने का कारण है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ताजमहल के पीले पड़ने का कारण है अम्लीय वर्षा। भारत में चिपको आंदोलन किस राष्ट्र में प्रारंभ हुआ? तो उत्तराखंड में। चाय में अधिक कैफीन की मात्रा होने से होने वाला रोग है? जी हाँ, अगर चाय में अधिक कैफीन की मात्रा है तो उससे जो रोग होता है वो मूत्रलता, जी हाँ, जो यूरिन होती है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। विटामिन ई की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है प्रजनन में कमी। जी हाँ, विटामिन ए की जिसमें कमी होती है उनमें प्रजनन क्षमता क्षीण होती जाती है। विश्व में सबसे अधिक मवेशी पाए जाते हैं? जी हाँ, जो पालतू जानवर होते हैं सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। भारत में हिमचीता पाया जाता है लद्दाख में। पद्म जायनाइड हिमालय प्राणी उद्यान स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। वह किताब जिससे विलुप्त प्रजातियों का आंकड़ा रखा जाता है उसे कहते हैं लाल आंकड़ों की किताब, यानी रेड डाटा बुक। उस प्राणी का नाम बताइए जिसकी आयु पृथ्वी पर सर्वाधिक होती है? तो प्राणी है कछुआ। सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरण है? जी हाँ, सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरण है पराबैंगनी किरण सी। भारत में पवन ऊर्जा सर्वाधिक किस राज्य में बनती है? तमिलनाडु में। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है राइबोसोम। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सजीव जगत का सर्वोच्च स्रोत है जैवमंडल। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणु विषाणु एवं कवक होते हैं तब घटक। टाइफाइड रोग का कारण है जीवाणु। चाइना ग्राम एक है? जी हाँ, ये एक शैवाल है। मशरूम एक प्रकार का? जी, मशरूम एक प्रकार का क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है? जी हाँ, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है किडनी। मरुद्भिद पौधों का प्रमुख लक्षण है? जो हाँ, जो पौधे आपके राजस्थान, मतलब जैसे राजस्थान बोल रहा हूँ, जैसे जो मरुस्थल जगह में पाए जाते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो होता है वो सुविकसित जड़ें। जी हाँ, इन पौधों की जड़ें बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों कंपोजिट के कुल का पौधा है। मधुमक्खी छत्ते में रानियों की संख्या होती है? तो मधुमक्खियों के छत्ते में रानियों की संख्या सिर्फ एक होती है। मनुष्य के शरीर का ताप होता है? जी हाँ, मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जलाशय में मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। जी, मैंने इस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। हेली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उत्तराखंड में। जी, हेली को ही हम जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, इससे पहले हेली नाम से जाना जाता था। तो ये जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है? तो वह है चावल। मैरमेस रोग जो बच्चों में होता है इसका प्रमुख कारण है प्रोटीन की कमी। वे विटामिन जल में घुलनशील हैं? जी हाँ, जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं BMC। भारत में पाया जाने वाला अकेला भारत में पाया जाने वाला अकेला कपी है? तो होलक गिब्बन। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है अहमदाबाद। पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती? जी हाँ, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती सौर ऊर्जा। CFC का प्रयोग मुख्यतः होता है? जी हाँ, CFC का जो प्रयोग होता है ये तो वातानुकूलित यंत्रों में, जैसे रेफ्रिजरेटर है, AC है, इन जगह यूज़ होता है। मिनी माता रोग हुआ था तो सर्वप्रथम जापान में इस रोग को देखा गया। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है? सर्वाधिक उपग्रह जिस ग्रह पर पाए जाते हैं वह है बृहस्पति। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भूस्खलन होता है? तो उत्तराखंड में। रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है भूकंप की तीव्रता। गुजरात के किस शहर में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप आया था? तो भुज शहर में। भारत के समुद्री तटीय भागों में आने वाले तूफान को कहलाते हैं टाइफून। गंगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित होती है? जी हाँ, जो गंगा नदी है वो उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित होती है, कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम को कहते हैं देवप्रयाग। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। प्रदूषण से होने वाले रोग हैं अस्थमा। जी हाँ, जो वायु प्रदूषण मोस्टली रोग होता है उसे अस्थमा बोलते हैं। वह ज़मीन जो अपना स्थान बदलती है? जी हाँ, वह ज़मीन जो अपना स्थान बदलती है वो होती है रेतीली मरुस्थली ज़मीन। LPG के में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस होती है मीथेन। सांद घाटी स्थित है केरल में। ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, तो ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है नीला क्षेत्र। एक ऐसा देश जहाँ की जनसंख्या प्रतिवर्ष कम हो रही है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा देश जहाँ की जनसंख्या प्रतिवर्ष कम हो रही है वो है जर्मनी। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश।
विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। बिहू किस राज्य का राजकीय नृत्य है? तो असम का। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है मांझुली। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। मानव शरीर में दांत बने होते हैं कैल्शियम एवं फॉस्फोरस के। रक्त का थक्का जमने के आवश्यक है, जी हाँ, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है विटामिन के। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी। लाइकेन होते हैं शैवाल एवं कवक का सहजीवन। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन की विशेषता क्या है? उसका अंधापन। जलीय पौधों की जड़ें अल्प विकसित होती हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।